दोस्तों मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं। सेल ए की वैल्यू है 25 और सेल बी की वैल्यू है 30। हम क्या चाहते हैं, हम सेल बी की वैल्यू को सेल ए की वैल्यू माइनस करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि इज इक्वल टू, जिस वैल्यू में से माइनस करना है उस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस वैल्यू को हमें माइनस करना है उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस सम में हम क्या कर रहे हैं, सेल बी में से सेल ए को माइनस कर रहे हैं, तो हमने पहले सेल बी को सिलेक्ट किया, उसके बाद माइनस, उसके बाद सेल ए को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया 5।